जनपद संभल के चंदोसी में फार्मासिस्टों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदोसी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर आज तैनात फार्मासिस्टों ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। इस विषय में यहां पर तैनात फार्मासिस्ट MD आर्य ने बताया कि वे लोग अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर इस काली पट्टी को बांधकर कार्य कर रहे हैं। तो काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हमारे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम लोग 4 दिसंबर को तो हमारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रांगण में हमारा एक धरना प्रदर्शन था, जिसमें हमने उन धरना प्रदर्शन और अपनी मांगे रखी हैं और सीएमओ साहब को एक ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री जी के लिए। और अगले 5 दिसंबर से हमारी 8 दिसंबर तक काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए अपने कार्य को पूरी तरह से कार्य करते हुए और विरोध व्यक्त करते हुए हमारी मांगों को लेकर, इसके लिए हमने 5 से 8 तक काला फीता बांधा है, बांधेंगे हम लोग। और 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक हमारा प्रातः 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा विरोध जताने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुखिया है। आज आप लोग काली पट्टी बांध कर विरोध जता के काम कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, हमारी लंबित 20 सूत्री मांगे, उसके लिए हमने 4 तारीख को धरना प्रदर्शन करके सीएमओ साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन दिया था, तथा 5 तारीख से हम काली पट्टी बांध करके 8 तारीख तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। 8 तारीख के बाद से 2 घंटे का बहिष्कार है 18 तारीख तक का सुबह मॉर्निंग में, और उसके बाद 19 तारीख से हमारा जो है आपातकालीन और पोस्टमार्टम भी बंद रहेगा। हमारा सबसे मुख्य काम यह है कि हमारा पदनाम चेंज किया जाए, और दूसरा ये है कि हमारा विधान कम है जिसको बढ़ाया जाए, और जो सब सेंटर हैं उनमें फार्मासिस्ट की भर्ती फार्मासिस्ट अवेलेबल कराए, सीएचओ को लिखने का अधिकार दे दिया है, हमें लिखने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, वो भी देना है, उसके लिए मांग की गई है। ऐसी 20 मांगे हैं हमारी, 20 मांगे हैं जो हमें हमारी मांग है।